नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त अपना एमपी का हो गया है, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बेरोजगार शिक्षकों के धरने वाली खबर के साथ। जी हां, राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में बेरोजगार शिक्षक का बैनर और इस बैनर के नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगार। जी हां, भर्ती में चुने गए हैं उसके बावजूद भी अब तक नियुक्ति नहीं हुई है, ये कहते हुए प्रदर्शनकारी यहां पर डटे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में पदों को बढ़ाया जाए। अधिकारियों की हमारी मांग है वर्ग 1-2023 में पद वृद्धि कर चयनित अभ्यर्थी जितने भी हैं उनकी नियुक्ति दी जाए। बस आंदोलन जो हमारे पास है सरकार को मनाने के लिए, हम आंदोलन करेंगे। और अब सड़क पर शिक्षक आ चुका है, अगर शिक्षक सड़क पर आया है, आपने चाणक्य को देखा होगा, एक छोटे से खेलते हुए बच्चे को राजा बना दिया, वो एक शिक्षक था। और हम भी आज शिक्षक है, रोड पर हैं, तो सरकार को बताएंगे कि शिक्षक की ताकत क्या होती है। अगली खबर छिंदवाड़ा से आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों ने खुद को हॉस्टल में बंद कर लिया। हॉस्टल कैंपस में खुद को बंद कर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं छात्र। जवाहर नवोदय स्कूल का है मामला, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। खबर अनूपपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सीबीआई की रेड हुई है नर्सिंग कॉलेज में। सीबीआई की रेड, हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की टीम यहां पर रेड करने के लिए पहुंची। रेड सीबीआई की टीम की ओर से की गई है। अनूपपुर की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां नर्सिंग कॉलेज में हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम पहुंचती है रेड के लिए। ये वही नर्सिंग कॉलेज है जहां पर सीबीआई की टीम रेड के लिए पहुंची और हाईकोर्ट का आदेश है जिसके बाद सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी। अगली खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। मेयर और निगम कर्मियों में तीखी नोकझोंक है, एक दूसरे के खिलाफ धरने पर दोनों ही पक्ष के लोग बैठे हुए हैं। पार्षद की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं कर्मचारी। मेयर और पार्षदों की मांग है कर्मचारी सस्पेंड हो, पार्षद पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप है। तो मेयर और कर्मचारी दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जो निगम कर्मी है वो पार्षद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मेयर और पार्षदों की मांग है कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, नगर निगम में बवाल मचा हुआ है, क्या है फिलहाल हालात वहां पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नगर निगम कर्मचारी दो दिन से हड़ताल पर हैं, क्योंकि देखा गया था एक दिन पूर्व यानी कि कल कांग्रेस के पार्षद वार्ड क्रमांक 17 से पार्षद हैं विनीत कंसाना, उन्होंने एक निगम कर्मचारी के साथ मारपीट की थी अलाव की लकड़ी को लेकर के। उसके बाद से ही निगम कर्मचारी हड़ताल पर है। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसे लेकर के निगम कर्मचारी हड़ताल पर है। और आज फिर देखा गया है कि शहर के ही दूसरी जगह यानी कि सरकारी आवासों में ही मल्टी में जो लोग रहते हैं उन्होंने एक नल कर्मचारी से यानी कि नगर निगम के दूसरे कर्मचारी से मारपीट की है, वो भी अब धरना देकर के हड़ताल पर बैठ गए हैं। उसके बाद और तालाबंदी कर दी है, तालाबंदी को लेकर के अब पार्षद और महापौर एकजुट हो गए हैं और तालाबंदी करने वाले कर्मचारियों पर सस्पेंड करने की कार्रवाई को लेकर के वह भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक तरफ तो निगम कर्मचारी और दूसरी तरफ महापौर और पार्षद धरने पर बैठे हैं, तो दोनों में आपस में जंग छिड़ी हुई है। अब देखना होगा कब तक इनके धरने खत्म होते हैं, क्योंकि धरने खत्म हो पाएंगे उसके बाद ही शहरवासियों को जो साफ सफाई हो या फिर अन्य पानी जैसी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां एक्शन में है कलेक्टर आशीष सिंह। अलग अलग तहसील कोर्ट का निरीक्षण किया है, कई अधिकारियों और रीडर्स को नोटिस जारी किए गए हैं।
काम में लापरवाही मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। एक नायब तहसीलदार के खिलाफ जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इंदौर से, जहां एक्शन में है कलेक्टर आशीष सिंह। अलग अलग तहसील कोर्ट का यहां पर जायजा करने के लिए पहुंचे, निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। कई जो अधिकारी थे, रीडर्स थे, उन्हें नोटिस जारी किए गए। काम में लापरवाही मिलने पर ये नोटिस जारी किए गए हैं। एक नायब तहसीलदार के खिलाफ भी जांच के निर्देश यहां पर कलेक्टर ने दिए हैं। और कलेक्टर आशीष सिंह के यहां पर निरीक्षण जब करने के लिए वो पहुंचे तो कैसे हड़कंप मच गया, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। काफी अफरा तफरी यहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच देखने को मिली। एक्शन लिया गया फौरन ही ऑन द स्पॉट। जो भी लापरवाही यहां पर पाई गई उसके खिलाफ। अगली खबर जबलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां धान फर्जीवाड़ा मामले में कलेक्टर की कार्रवाई से पटवारी नाराज। पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निलंबित पटवारियों को बहाल करने की मांग की गई। दो पटवारियों को निलंबित किया गया था। धान पंजीयन और भंडारण मामले में लापरवाही का मामला, कलेक्टर ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में कलेक्टर की कार्रवाई से पटवारी नाराज। पटवारी संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। धान फर्जीवाड़ा का ये पूरा मामला है और जिस तरह से कलेक्टर ने एक्शन लिया उससे पटवारी नाराज हैं, और इसीलिए नाराज पटवारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जो भी पटवारी निलंबित किए गए हैं इस मामले में उन्हें वापस बहाल किया जाए। बता दें आपको कि दो पटवारियों को निलंबित किया गया था धान पंजीयन और भंडारण मामले में लापरवाही के चलते। कलेक्टर ने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी हम लोग को बलि को